एक बार दोबारा कैप्चर करते। ओ Z900, नाइस यार, अपना भी सपना है, ज़रूर आएगी। खैर वीली, ओ हो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली गाइस, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लाइनअप है आज के लिए। दो हमारे ग्रुप में हैं KTMs, एक ये खड़ी, एक ये खड़ी, और एक है स्प्लेंडर, तीन है एंटॉक, और एक बर्गमैन, एक रॉयल इनफील्ड, एक पैशन, एक अपनी होंडा एक्टिवा। अभी के लिए मैंने इंट्रो से शूट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं माइक के अंदर एक पिन लगती है वो लगाना भूल गया, दैट्स वाई जो है सब ब्लैंक हो गया। सो अब मुझे रीशूट करना पड़ रहा है, पिन लगानी भूल गया, ब्लैंक हो गया सब। टाइम नहीं बचा मेरे को इंटरव्यू देने के लिए सबका, कि अब इंट्रो बाद में देंगे। अभी के लिए फटाफट से निकलते हैं, जा रहे हैं पंचगांव, लोकेशन जो है हमारी जाने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो के साथ बने रहना। बहुत टाइम के बाद संडे राइड कर रहा हूँ, और आप लोगों को वॉइस कैसी मिल रही है, वॉइस क्वालिटी किस तरीके की मिल रही है, एंगल किस तरीके का मिल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आज मैं पहली बार संडे राइड जो करने वाला हूँ वो गोप्रो के साथ करने वाला हूँ। लेट्स गो। फ्यूल अप हो रखा है, तो फ्यूल अप की अभी ज़रूरत नहीं है। जो है थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा फील होने लग जाता है, क्योंकि क्या है, सर्दियाँ जो है अब करीब आ रही है, गर्मियाँ जो है थोड़ी दूर जा रही है, तो दैट्स वाई जो है अब थोड़ा राइडिंग जैकेट में ठंडा ठंडा सा फील होता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलते चलो रे। तो आज विक्रम भाई का जो था थोड़ा सा माइक जो था वो ख़राब हो गया था। मेरे पास एक्स्ट्रा बोया का माइक पड़ा हुआ था, जो मेरे पास सेटअप में मिला था गोप्रो के, तो मैंने उनको अपना बाइक दे दिया, तो वो अब यूज़ करेंगे। और आप भी बताना विक्रम भाई के ब्लॉग्स में जा कर के कि वॉइस क्वालिटी किस तरीके से मिल पा रही है उनको, जितनी मेरी मिल रही है उतनी मिल रही है, या कुछ चेंज चूंज हो रहा है। कौन आया, कोई तो आया मेरे राइट साइड से। ओ पैशन प्रो। तो अभी G2 जाकर के हमारी थोड़ी ब्रेक लगेगी, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करो। और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्या करते हो मेरे भाइयों, भाई का चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और प्यार बरसा दो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के। भाई साहब देख रहे हो, ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं, भर भर के ट्रक चल रहे हैं, मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। थोड़ा सा सेफ साइड चली गई इनसे, क्योंकि भैया नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन है, इनसे थोड़ी सी दूरी बना करके रखे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब इन्होंने ब्रेक लगानी है, कब इन्होंने लेफ्ट राइट घुमा देना है। सो फाइनली गाइस पहुँचने वाले हैं G2 पर। नया देख रहा है उनको मैं बता दूँ, हमारा जो गुड़गांव एम्बियंस मॉल होता है उससे पहले एक स्टॉपेज होता है जिसको हम G2 बोलते हैं, वहाँ पर G2 का एक बोर्ड लगा हुआ है, आई थिंक सो अभी भी होगा। ये रहा, आप लोगों को दिखा देता हूँ। भैया फाइनली पहुँच चुके हैं सबसे पहले। हाँ सो ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं, बाकी सारे राइडर्स जो है अभी थोड़े पीछे की तरफ रह गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ गए हमारे सारे राइडर्स। सही है यार, एक बार दोबारा कैप्चर करते। ओ Z900, नाइस यार, अपना भी सपना है, ज़रूर आएगी। खैर वीली, ओ हो, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, गुड़गांव पुलिस आ चुकी है सबको हटाने के लिए यहाँ से। भैया रफू चक्कर होना पड़ेगा, नहीं तो भैया बेफजूल में पैसा भरना पड़ जाएगा, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। चलिए निकलते हैं। फाइनली हम लोग निकल गए हैं वहाँ से अपनी लोकेशन के लिए, जो कि है पंचगांव। भैया अभी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, रास्ता भी कवर करना है। ये यार ये कौन सी बाइक थी, KTM भाई, यार अच्छी लग रही थी यार, आई कैची बना रखी थी बंदे ने, कोई नया सा ही मॉडल लग रहा था देखने में, बट हाँ मॉडिफिकेशन थी काफ़ी अच्छी तरीके की। मोहित भाई अच्छी लग रही है स्प्लेंडर, देखो ना स्प्लेंडर के जो व्हील के अंदर ब्लैक येलो एंड ब्लैक कलर की एक वो करवा रखी है, और ये भाई की RC KTM RC रैप करवा रखी है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। वाह यार अच्छी तरीके से मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं। ये देखो R2F करके चैनल है इनका, सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। भाई सब लोग जितने भाई हैं ना ग्रुप के अंदर सब बढ़िया बंदे हैं, सबके चैनल सब्सक्राइब करो, और
सपोर्ट करो भाई। बढ़िया यार, GoPro की बैटरी ऑलमोस्ट मेरी बची हुई है 14-15%। एक एक्स्ट्रा बैटरी है, ये मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट, दो बैटरी होने का यही फ़ायदा हो जाता है कि आप बैटरी चेंज कर सकते हो, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। अब मेरी बैटरी ख़त्म हो गई तो मेरे पास और भी बैकअप है। तो बात कर ली इस हाईवे की, तो ये हाईवे है जयपुर हाईवे। यही हाईवे आप पकड़ के जयपुर जा सकते हो, आप हिमाचल जा सकते हो, आप अपना क्या कहते हैं आपका बॉम्बे तक जा सकते हो। मतलब ये हाईवे अगर पकड़ के आप चलते रहोगे नॉन स्टॉप तो आप बॉम्बे तक जा सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा हाईवे है, तो इसी हाईवे पे हम लोग ज़्यादातर राइड प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा हमें राइडिंग रिव्यू मिल जाता है। यार एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये भाई ने मीडिया माइक लगाया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया माइक से आवाज़ आती होगी यार अच्छी अंदर। और एक बार इस भाई के व्लॉग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि मीडिया माइक से अच्छी आवाज़ आ रही है। यो चेयरअप चल रहा है, तो मुझे लग रहा है मीडिया माइक के अंदर एक्स्ट्रा माइक भी लगाया हुआ है। बट हाँ, हो सकता है भाई से आगे जा कर के पूछेंगे कि वो खाली मीडिया माइक यूज़ करता है या फिर वो एक्स्ट्रा माइक उसके अंदर अटैच करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से माइक अटैच करके उसको उसे यूज़ कर रहा है। तो आपको पंचगांव तक अगर जाना है तो आपको टच करना पड़ता है मानेसर, और मानेसर ऑलमोस्ट क्रॉस ही करना पड़ता है तब जा कर के जो आता है आपका पंचगांव आता है। तो ऑलमोस्ट हमें 21 मिनट हो चुके हैं, 21 से 20 मिनट हो चुके हैं निकले हुए, और काफ़ी ज़्यादा लोकेशन जो हमने क्रॉस कर लिया है। आधा रास्ता ऑलमोस्ट जो है हमारा बाहर हो चुका है और आधा रह चुका है, और आधा होने के बाद जो है हम लोग पहुँच जाएंगे पंचगांव। ये देखो भाई साहब, बुलेट वाले राइडर को ना हेलमेट है ना कोई सेफ्टी गियर है, और देखो चल कितने पे रहा है, 80 पे। यार क्या ही कहा जाए, सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। भूसा जा रही है भैया, भूसा। ओहो क्या बात है, GT कॉन्टिनेंटल 650। भैया इसकी बैटरी लो हो गई, आप मेरे को बैटरी जो है कहीं साइड पर रोक करके स्विच मारनी पड़ेगी क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। और मुझे नई बैटरी जो पड़ी हुई है मेरी दूसरी, वो चार्ज है फुल, उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी मेरे को टी 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 बीप बज चुका है। तो अभी के लिए कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, भाई मत बजा। पर आ चुके हैं मानेसर वाले, और यहाँ से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यस, वो हम नहीं देते भैया टोल, ले लो जहाँ से लेना है टोल, हम नहीं देते। अरे 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 अरे, थोड़ा राइट पे भी देख लो, लेफ्ट पे भी देख लो भैया, सीधे ही सीधे घुसे। अरे पीछे चल रही है, आप लोग देख पा रहे होगे मिरर के अंदर, अभी आएगी आगे। माय गॉड, ब्रांड न्यू मॉडल है 2023 वाला, मस्त लग रहा है यार। बैटरी जो है स्विच मार लिए, बैटरी हो गई थी ख़त्म। पहुँच गांव में हम लोग पहुँच चुके हैं, इसको कर लेते हैं बंद। ओके, तो लाइनअप आप लोगों को थोड़ा सा रिवील करवा देते हैं। एंटॉक, एक्टिवा, RS 200 और RC, KTM RC, और अपना थंडरबर्ड 350X, और ये क्लासिक, और ये है अपनी RC कह रहा हूँ 200 KTM 200, और ये है हैशटैग राइडर की, और ये है स्प्लेंडर, ये है XT बेताल भाई की कह रहा हूँ, VKD ब्रो की बेताल 900Z। वाव यार, तो फाइनली पराठा आ चुका है, हाथ मेरे हो गए हैं पूरे बटर वाले। ये है चटनी, वो भी लहसुन की। पराठा ऑलरेडी साइड से बहुत ज़्यादा बड़ा है, चलिए खाते हैं और फिर करते हैं एंजॉय, और फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। सबके पराठे ऑलरेडी आ चुके हैं, चलिए। आप लोग देखो कितनी अलग ही दिखे, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन कर रखी है इसके अंदर। प्लस ये देखो, ये क्या चीज़ है यार, बिल्कुल ही यूनिक चीज़ बना रखी है, और देखने में भी बड़ी डिफरेंट है, मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है। वाह यार, अल्टीमेट ही लग रही है ये कोई चीज़ देखने में, पहली बार ऐसी चीज़ देखी है। सही है यार, थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ मैं। वाह यार, 220, और स्पीकर जो है बड़े मॉडिफिकेशन से, ऐसे स्कल वाले हाथ लग रहे हैं,
बड़ी सही चीज़ है यार। तो आई होप आप लोगों को जो है ब्लॉग अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भूलना नहीं है। तो इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करना है, मेहनत चल रही है फुल ऑन। तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सेफ राइड करिए, गुड बाय।